हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू बैक माई चैनल। किदां तुसीं सब? मैं उम्मीद करदी तुसीं सब ठीक होवोगे। ते अज मैं बनाउण लगी हाँ लौकी दी बर्फी। ये साडे घर दी फ्रैश लौकी सी, मैं हले तोड़ के लियांदियां सी। ते हुण असीं इहनूं छिल लिया, इहदे विचों जो भी दा वाइट वाला पार्ट असीं कढ दांगे, क्योंकि उहदे छोटे छोटे बीज सी इस करके। ते इतने मैं जो लौकी रखी सी उहदे मैं बिल्ली काश कर लिया, उहदे विच पानी कढ लिया। कढ रही हां लौकी च नचोड़ लांगे चंगी तरह, असीं इहदे च पानी नहीं रहन देना। ते इत्थे हुण मैं बनावांगी, चुल्हे ते बनाऊंगी क्योंकि किचन च बहुत ज़्यादा गर्मी, जिद्दां हुण तुहानूं पता कि किन्ने दिन हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश नहीं होण दी, उहदे करके किचन च खोता नहीं जांदा इन्ना टाइम। ते असीं बाहर चुल्हा रख के ते फिर बना रहे सी। एक मन मेरे लागे बैठा होया कोई की बना डे आ। हूँ मैं पा दूंगी देसी घ्यो। मैनू जिस तरह बनानी आती मैं उस तरह तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ। तो बाकी सब का तरीका अलग अलग हों हर एक चीज़ बनाने का। ये असं हूँ घ्यो साडा थोड़ा गर्म हो गया से, उहदे विच असीं पा दित्ती लौकी जिसका पानी निकाल के रखा होया कढ के। हुण असीं इहनूं लौकी नूं घिओ विच चंगी तरह भुन लवांगे। तुसीं लगातार कड़छी चलानी है क्योंकि नहीं तो फिर नीचे लग जाएगी। जे तो नॉन स्टिक कढ़ाई हैगी है, पैन नॉन स्टिक हैगा, तो फिर इन्नी जरूरत नहीं पैंदी हैगी क्योंकि फिर उहदे नीचे इन्ना घट लगदी आ, नीचे लग जाती चीज़ इस करके। तो तुसीं कड़छी लगातार मारते रहना इहदे विच। लौकी मैनूं भुनदिया कोई 7-8 मिनट हो चुके हैं, पर हले मैं थोड़ा चिर होर भुनूंगी जिन चक इहदा कलर थोड़ा जिहा चेंज ना हो जाए। हुण इत्थे दा कलर थोड़ा चेंज लग रहा, पहले नालों पहले बहुत ज़्यादा हरी हरी लग रही सी, हुण थोड़ा जिहा कलर इहदा चेंज हो गया क्योंकि पक्कण डी आ। ते बच्चे बहुत वेट विच आ भी जल्दी जल्दी बने ते जल्दी जल्दी असीं खा लईए। देखो किदा बैठे वेखण डे आ कि जल्दी बन जाए ते जल्दी अहीं खा लईए। इत्थे हुण मेरी लौकी जिहड़ी भुज चुकी सी, मैं पा दूंगी इहदे च दुध। दुध तुसीं अपनी मर्जी नाल पा सकदे, मैं 1 कप लिया सी। ये मैं पा दूंगी 1 कप चीनी, 1 कप चीनी लई सी मैं। तुसीं अपने हिसाब नाल मिठा घट वध कर सकदे हो जिन्ना कि तुसीं खाँदे हो। कई ज़्यादा खाँदे आ, कई मीडियम, कई बिल्कुल लो खाँदे आ। अपनी मर्जी नाल तुसीं मिठा ऐड कर सकते हो चीनी। हुण असीं ढक के पका लाँगे। हुण इहदे विच मैं थोड़ा फ्लेवर देण वास्ते कस्टर्ड यूज़ किया। तुसीं नहीं भी यूज़ करना तो स्किप कर सकते हो, पर मैं यूज़ किया, मैनूं वधिया लगदा कस्टर्ड का फ्लेवर, इस करके मैं दुध विच घोल के 2 चम्मच कस्टर्ड वो मैं विच ऐड करता। एक बारी तुसीं भी ट्राई करके जरूर देखियो, बहुत टेस्ट लगता कस्टर्ड विच ऐड करके। हुण असीं चंगी तरह मिक्स कर लाँगे। इत्थे हुण मैं लै लिया मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं पाए सी 4 चम्मच क्योंकि टेस्ट लगता थोड़ा ज़्यादा। तुसीं ना इहनूं दुध विच घोल के पा सकदे हो, मैं डायरैक्ट ही पा दिता सी क्योंकि मैं दुध भी फिर बाद विच पाया ही थोड़ा जिहा कि जे जिहड़ा इह घुल जावे, पर वो वीडियो क्लिप जिहड़ी थोड़ी स्किप हो गई विचों पता नहीं डिलीट हो गई, इस करके मैं दुध फिर थोड़ा जिहा पाया सी जदों मैं मिल्क पाउडर सुके वाला पाया सी थोड़ा 4 चम्मच, थोड़ा जिहा मैं 1/2 कप फिर दुध ऐड किया सी। फिर इहनूं चंगी तरह असीं पका लिया दुध विच। ते तुसीं ट्राई करके देखना, बहुत टेस्ट बनी सी। इदां जिहदा गजरेले दा टेस्ट हुंदा इदां दा लग रहा सी टेस्ट, ते सब नूं बहुत पसंद आई सी, तुसीं भी ट्राई करके देखना। इत्थे हुण साडी लौकी लगभग साडा तैयार आ, लौकी दी बर्फी। हुण इहदे च मैं पा दूंगी फूड कलर, मैं ग्रीन कलर दा पाया। फूड कलर तुसीं कोई भी यूज़ कर सकते हो जिद्दां दा कलर तुसीं देना होए, मैं ग्रीन कलर दा दित्ता। हुण थोड़ा इहनूं जिन चक इह थोड़ी कट्ठी नहीं हो जाती उन्ना चक असीं इहनूं पकावांगे कि जिन चक गाढ़ी ना हो जाए।
कड़छी तुसी मारते रहना क्योंकि नीचे ना लग जाए, नीचे लग जाता है ना इस करके। इतने हम बर्फी साढ़े लगभग तैयार सी क्योंकि संघनी होने लग पी सी गाढ़ी, हूँ नहीं कड़छी नहीं बिचों बज रही थी, तो हूँ मैं थोड़ा जि थाली में घ्यो लिया सी, फिर असी सारा ट्रांसफर कर देंगे थाली में। हुण चंगी तरह सैट करके फिर असी फ्रिज में रखांगे क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी ना बाहर सैट नहीं होनी है बर्फी, इस करके असी फ्रिज में रखांगे एक डेढ़ घंटे लिए, फिर बाद असी पीस कटिंग करांगे। मैं एक डेढ़ घंटे बाद बर्फी कढ़ी सी फ्रिज तो पूरी तरह जम चुकी सी, सैट हो गई सी, तो असी हुण इहदे पीस कट लवांगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी सी, प्लीज़ तुसी भी ट्राई करके देखना। तो हुण मैं इन्हां नूं प्लेट विच कढ लिया पीसां नूं, उपर असी डेकोरेट लई तुसी कुछ भी ला सकते, ड्राई फ्रूट वगैरह, मैं गुलाब के पत्ते, फ्रैश गुलाब सी वो पत्ते लगा दिते। चलो ठीक है जी, मिलेंगे नैक्सट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।